हज़रत आसिया का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना। फिरौन की बीवी का नाम हज़रत आसिया बिनते मज़ाहम था। फिरौन और हज़रत मौलिया सलाम की बाबत यह मालूम करती रहती कि कौन गालिब हुआ, तो हर वक्त यही सुनते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गालिब रहे। बस यही इनके ईमान का बाइस बना। अबू अल आलिया रहमतुल्लाह अलैहि यूं बयान करते हैं कि फिरौन के दारोगा की औरत का ईमान इनके ईमान के बाइस बना। वो एक दिन फिरौन की लड़की का सर गूंद रही थी, एक कंघी छूट कर नीचे गिर गई तो उसके मुंह से निकल गया कि कुफार बर्बाद हों, और बाद रवायत में है कि बिस्मिल्लाह कहकर कंघी उठाई थी। इस पर फिरौन लड़की ने कहा कि तू मेरे बाप के सिवा किसी और रब को मानती है। उसने कहा मेरा तेरा और सबका रब अल्लाह है। उसने गुस्से में आकर उसको मारा पीटा और जाकर अपने बाप को बता दिया। तो फिरौन ने बुलाकर पूछा कि तेरे सिवा कोई और रब है? इसने जवाब दिया कि हाँ मेरा रब अल्लाह है। फिरौन ने उसको चित लटाकर हाथ पांव में मेखें गड़वा दी और ऊपर सांप छोड़ दिए कि काटते रहें। लेकिन जब देखा कि ये बाज नहीं आती तो फिरौन ने कहा कि मैं तेरे लड़कों को एक एक करके तेरे सामने कत्ल करवा दूंगा, बाज आ जा और मुझे सजदा कर ले। उसने कहा ये नहीं हो सकता। उस जालिम ने एक लड़के को मंगवाया और मार डाला। उन्होंने अपने प्यारे से प्यारे बच्चे को बचशम खुद देखा और सब्र किया। उस बच्चे की रूह निकली तो उसने कहा ऐ माँ खुश हो जा, अल्लाह ने तेरे लिए बड़े बड़े सवाब तैयार कर रखे हैं। फिर दूसरे बच्चे को भी इसी तरह कत्ल करवा दिया और उसकी रूह ने भी माँ को खुशखबरी दी। फिरौन की अहलिया ने इन दोनों बच्चों की खुशखबरी सुनी तो ईमान ले आई। इधर उस मजलूम औरत की रूह भी अल्लाह ताला ने कब्ज कर ली और उसकी मंजिल और मर्तबा जो खुदा के हाथ था वो हजाब हटाकर फिरौन की बीवी को भी दिखाया गया। तो ये अपने ईमान और यकीन में बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि फिरौन को भी इसका पता चल गया तो उसने एक दिन अपने दरबारियों से कहा कि तुम्हें कुछ कोई मेरी बीवी की खबर है? तुम उसे क्या जानते हो? सब ने बड़ी तारीफें की और भलाइयाँ बयान की। फिरौन ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? फिर मशहूर हुआ कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसको अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया जिसका तर्जुमा और अल्लाह ईमान वालों के लिए मिसाल बयान करता है। फिरौन की बीवी की जबकि उसने कहा कि मेरे प्यारे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दीजिए और मुझको फिरौन और उसके अमल से बचा लीजिए। फिरौन गुस्से के वक्त लोगों के हाथ पांव में मेखें गड़वा कर मार डालता था, चुरंग करके ऊपर से बड़ा पत्थर फेंकता था जिससे इसकी रूह निकल जाती। मेखों की सजा का मौजदन फिरौन था। इससे पहले ये सजा किसने नहीं दी? इसलिए सूरत फजर में फरमाया और मेखों वाला फिरौन, फिरौन ने कहा कि जो बड़ी से बड़ी चट्टान तुम्हें मिले उसे उठा लाओ और आसिया को चित लटाकर उसे कहो कि अपने अकीदे से बाज आ जा। अगर बाज आ जाए तो वो मेरी बीवी है, इज्जत तो हरमत से वापस लाओ। अगर ना माने तो वो चट्टान इस पर गिरा दो, इसका कीमा बना दो। जब ये लोग पत्थर लेकर आए तो उनको लटा दिया और पत्थर इन पर गिराने के लिए उठाया तो उन्होंने आसमान की तरफ मुंह उठाया, परवरदिगार आलम ने हजाब हटा दिए। जन्नत और वहाँ जो मकान इनके लिए बनाया गया था उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया और इसमें इनकी रूह परवास कर गई। जिस वक्त पत्थर फेंका गया उस वक्त इनमें रूह ही नहीं थी। एक रवायत में है कि फिरौन ने आखिरी वक्त में उस नेक बीबी पर तरह तरह के मजालिम किए। इन्हीं मजालिम की हालत में जबकि फिरौन ने इनकी चमेखी कर रखा था,
और इनके चारों तरफ आग रख कर छोड़ी थी, तो उन्होंने मदरजा बाला दुआ की। उसके बाद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो को या तो जिंदा उठा लिया गया या इनका वो महल जो जन्नत में इनके लिए तैयार था इनको दिखाया गया और इनकी जान जान आफरीन ने ले ली, यानी फिरौन ने इनको शहीद कर दिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह रिसालत में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन।